हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आज मैं कर रही हूँ राजमा बनाने की तैयारी। तो ये मैंने ग्राइंडर के लिए तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने डाला है एक प्याज और 3 टमाटर, और उसके साथ डाला है अदरक, और साथ में मैंने डाला है लहसुन और हरी मिर्च। अभी मैं ग्राइंड कर रही हूँ मसाला। राजमा मैंने साथ में ही भिगो के रखे हुए हैं और उबलने के लिए रख दिए हैं। उसमें मैंने डाला एक 2 चम्मच नमक डाल दिया था, और साथ में मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी थी, और उसमें एक प्याज भी काट के डाल दिया था। तो मेरे राजमा बॉयल हो गए हैं वहाँ पे। तो मैंने अब तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल गर्म होने के लिए, तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले थोड़ी सी हींग और साथ में जीरा थोड़ा सा ही डालूंगी। तो मैंने हींग और जीरा डाल दिया है, और साथ में मैंने अब डाल दिया है जो ग्राइंड करके रखा था मसाले के लिए। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ सबसे पहले, तो मैं इसको हिला देती थोड़ा सा मसाले को। मैंने डाल दी 1 चम्मच हल्दी और धनिया पाउडर, और साथ में गरम मसाला। और अब मैं इसके लिए इसमें मैं डालूंगी मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसमें जरूर डालती हूँ। और इसके साथ मैंने डाली है देगी मिर्च इस कलर के लिए। ये देखिए मेरे राजमा बॉयल होके रेडी हैं। मैं अब तड़का मिक्स कर रही हूँ इसमें। इसमें तड़का भी रेडी हो गया था, तो मैं इसमें तड़का मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर, जब भी लास्ट में बॉईल करने वाला थोड़ा सा जीरा पाउडर हम ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब राजमा मैंने बॉईल करके रख तेज गैस पर रख दिया। राजमा रेडी होने वाले हैं। और ये है रेडी।